गुड मॉर्निंग प्लस टू में पढ़ने वाले सभी छात्रों को एक बार मैं पुनः इसके पहले के सीरीज में जो हमने शुरू किया था आज हम दूसरा सीरीज लेके आ रहे हैं। दूसरा सीरीज में हम लोगों का क्या है कि यह दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद जो इसकी रचना किसने किया है तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी ने। इनके बारे में यानी इस कविता में जो वर्णन किया गया है इस कविता के बारे में समझने से पहले हम कुछ शब्द कुछ लाइनें या कुछ पंक्तियां हम समझेंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी कौन थे। तो यह सभी बातों को जानने से पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब निश्चित कर लें ताकि जो भी मेरा हर तरह का वीडियो जो अपलोड होते रहेगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक निश्चित रूप से पहुंचते रहेगा। तो छात्रों एक बार इस पर ध्यान दीजिए कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी है या इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य वात्स्यायन है। इन्होंने ऐसे आप देख रहे हैं कि अज्ञे नाम की काव्य रचना इन्होंने खुद किया था और उनका जन्म स्थान के बारे में हम जानना चाहेंगे कि जन्म स्थान ऐसे इनका जन्म कुशीनगर में हुआ था लेकिन बचपन इनका जो था या खासकर लखनऊ में श्रीनगर में और जम्मू में ही बीता। फिर भी शुरू के शिक्षा में वे अंग्रेजी और संस्कृत में ही उन्होंने पूरा किया था। संस्कृत और अंग्रेजी से इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरा किया था। हिंदी तो उन्होंने बाद में सीखा और हिंदी जब बाद में उन्होंने सीखा तो वे शुरू में ऐसे विज्ञान के विद्यार्थी थे, विज्ञान की पढ़ाई किए हुए थे और BSc करने के बाद उन्होंने MA अंग्रेजी में प्रवेश ले लिया। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इनका पढ़ाई बीच में ही रुक गया और जब पढ़ाई बीच में रुक गया तो इस क्रांतिकारी आंदोलन में इन्हें 4 वर्ष की सजा हुई, जिसमें 4 वर्ष की सजा में 2 वर्ष तो इनको अज्ञातवास में गुजारना पड़ गया। इस तरह से इस महान व्यक्ति के बारे में यह जिक्र किया जाए तो देश के क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अज्ञे जी ने देश विदेश में बहुत तरह की यात्राएं की, अपने देश के कई क्षेत्रों में इन्होंने यात्रा किया, विदेश में भी यात्रा किया। इन्होंने कई नौकरियां हासिल किया और कई को छोड़ दिया। कई नौकरियां हासिल करने का मतलब एक आदमी तो एक ही नौकरी कर सकता है, तो इस तरह से कई नौकरी लेते गए और जो इनको पसंद नहीं आया उसको छोड़ते चले गए। कुछ समय वे जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर भी कार्य किए और जब प्रोफेसर के पद पर कार्य किए तो हिंदी प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक एक समाचार होता था जिस समाचार का नाम दिनमान हुआ करता था, उसके संपादक के रूप में भी आपने कार्य किया। इसके साथ कुछ दिनों तक वे नवभारत टाइम्स में भी संपादन का कार्य किए। इसके अलावा उन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक आदि अनेक साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने कार्य किया और इस तरह से प्रत्येक सप्तक में और प्रत्येक सप्तक का इन्होंने एक तरह का क्या कहा जा सकता है कि इन्होंने सूत्रपात करते हुए प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक के रूप में इन्होंने काव्य चेतना को प्रकट करने का कार्य किया। इनकी कविता के साथ, जैसे हम कविता का जिक्र किए हुए हैं यहां, कविता के साथ साथ ये सिर्फ कवि ही नहीं थे बल्कि इन्होंने उपन्यास भी लिखा, कहानी भी लिखा, यात्रा वृत्तांत भी लिखा, निबंध भी लिखा, आलोचनाएं भी इन्होंने किया, आलोचना का इन्होंने रचना किया। इस तरह से साहित्यिक विद्याओं के लेखन कार्य इन्होंने अलग अलग ढंग में करना चाहा। शेखर, जैसे आप जानते हैं कि शेखर एक जीवनी इनकी कृति है। जैसे हम आप विद्यार्थियों को पहले भी बताए थे कि कुछ कृतियां इस प्रकार की है कि आपको कंपटीशन के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए किसी भी महापुरुष जिन्होंने रचना किया है उनके कृतियों को आप याद रखें और एक जगह उसका लिस्ट बना लें और लिस्ट बना के उसे याद रखें तो और बेहतर रहेगा ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्ट्रांग रहेंगे।
तो शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, इनके उपन्यास रहे हैं अपने अपने अजनबी। इसके साथ अरे ययावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा मछली, यह क्या है एक यात्रा वृतांत है, एक बूंद सहसा मछली, त्रिशंकु, आत्मने पद, ये निबंध रहा है, विपथगा, परंपरा, कोठड़ी की बात, शरणार्थी, जयधूल इत्यादि, और ये तेरे प्रतिरूप, ऐसे करके इन्होंने प्रमुख रचनाओं को हम लोग के बीच में प्रस्तुत किया। अगे जो व्यक्ति हैं उनके बारे में कहा जा सकता है प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद के एक तरह के कवि रहे हैं, और उनकी कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह किया जा रहा है। जो भी कविता है उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह आपको देखने के लिए ज्यादातर मिलेगा, और बौद्धिकता का विस्तार भी है उसमें। उन्होंने शब्दों को नए अर्थ देने का प्रयास किया है, और हिंदी काव्य भाषा का विकास भी करने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इस तरह से उन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार आप देख सकते हैं, भारत भारती सम्मान देख सकते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार देख सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। भारत से इन्हें कई प्रकार के ऐसे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियों में ऐसे काव्य कृतियों में कहा जा सकता है कि भग्न दूत रहा है, चिंता रहा है, हरी घास पर क्षण भर के लिए, या हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदते हुए, ए आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि। इस तरह से अज्ञे की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीरा नाम से दो भागों में प्रकाशित किया गया है। अभी हम लोग बात करेंगे कि यह दीप अकेला जो है, एक कविता का ऐसे हम सारांश पहले आपको प्रस्तुत कर देते हैं कि यह दीप अकेला आखिर में यहाँ कवि ने क्यों रचना किया हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है इस कविता का। तो इसमें यह दीप अकेला कवि में, जैसे यह कविता में अज्ञे ने ऐसे दीप की बात करने की होड़ लगाई है हम लोगों के बीच में, कि जो स्नेह भरा हुआ है, ऐसा दीप है जो स्नेह से, प्रेम से भरा हुआ है, गर्व भरा हुआ है, मदमाता भी है किंतु वह अकेला है। लेकिन वह क्या है? अकेला है, वह दीप है और अकेला है, मदमाता है, स्नेह से भरा हुआ है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। जब मनुष्य के अंदर अहंकार आता है तो वह अपनों से क्या करता है कि अलग कर देता है। कवि कहते हैं यहां कि इस अकेले दीप को, या अकेला जो दीप है, अकेले व्यक्ति जो है, अकेला जो दीप है, दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो। इस अकेले दीप को भी किसमें शामिल कर लो? तो पंक्ति में शामिल कर लो। पंक्ति में शामिल करने से उस दीप की महत्व एवं साक्षरता और ज्यादा बढ़ जाएगी। जब वह दीप इस भीड़ के पंक्ति में शामिल हो जाएगी, सफलता के भीड़ के पंक्ति में शामिल हो जाएगी, देश के प्रति लगे हुए लोगों के भीड़ के प्रति शामिल हो जाएगी, तो उसकी साक्षरता और ज्यादा बढ़ जाएगी। दीप सब कुछ है इनके नजर में, कवि के नजर में दीप सब कुछ है, सारे गुण और शक्तियां उनमें निहित है। उस दीप की, उनकी अभी व्यक्तिगत जो बातें की जा रही है कि उनकी व्यक्तिगत सत्ता भी कम नहीं है, फिर भी पंक्ति की तुलना में वह एक है, एकांकी है। यह दीप जो है एक है और एकांकी है। दीप का ऐसे हम कहें कि उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य की सार्वभौमिकरण अगर हम करते हैं, तो ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी होती है। दीप के साथ मनुष्य की तुलना जो की गई है कि वही स्थिति मनुष्य की भी होती है। व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी समाज में उसका विलय, समाज में अगर हम कहें कि साथ उसकी अंतरंगता जो होता है से समाज मजबूत होता है। अगर व्यक्ति सर्वशक्तिमान हो, उसके साथ सर्वगुण संपन्न हो, और जब समाज में जाएगा तो समाज में उसका भी कुछ दायित्व तो बनता है, समाज में कुछ करेगा ही, तो उससे समाज क्या होगा कि और मजबूत बनेगा, समाज की दशा और ज्यादा उन्नति के रास्ते पे चलेगी। इस तरह से राष्ट्र हमारा क्या होगा, जब समाज मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा, क्योंकि राष्ट्र प्रेम की भी बातें की जा रही है कि जैसे समाज मजबूत होगा तो वैसे हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा। इस कविता के माध्यम से अज्ञे जी ने व्यक्तिगत सत्ता को इस तरह से हम लोगों के
सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। जैसे हम यह जान सकते हैं कि दीप की पंक्ति में विलय, व्यष्टि का समष्टि में विलय है। अगर दीप के पंक्ति में विलय हो जाए, दीप पंक्ति में विलय हो जाए तो व्यष्टि समष्टि में विलय हो सकता है। और आत्मबोध का विश्लेषण में रूपांतरण होना तय है। इस तरह से साथियों, हम लोग इस कविता का थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि कविता में आखिर में अज्ञेय जी क्या क्या वर्णन करने का प्रयास किए हैं। तो इस कविता के माध्यम से हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ कहा गया है कि यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीप अकेला स्नेह भरा, यानी दीप की बात की जा रही है कि दीप है लेकिन अकेला है, वह भी अकेला है लेकिन कैसा है, स्नेह यानी प्रेम से भरा हुआ है। दीप है अकेला है लेकिन वह दीप प्रेम से भरा हुआ है। हर है गर्व भरा मद माता पर इसको भी पंक्ति को दे दो, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, है गर्व भरा मद माता, यानी यह गर्व से भरा हुआ मदमा रहा है, यानी कि मतवाला है, गर्व से भरा हुआ यह क्या है तो मतवाला है। अगर देना है तो इसको भी पंक्ति को दे दो। पंक्ति को दे देने का मतलब है कि किसी ग्रंथ में या पुस्तक में लिखने के क्रम जो होते हैं उसमें भी हम कह सकते हैं, पंक्ति का मतलब कतार भी होता है। तो इस तरह से अगले पंक्ति में बता रहे हैं, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन कौन गाएगा, यह जन है गाता गीत जिसे फिर और कौन गाएगा, पंडुबाए मोती सचे फिर कौन कृति लाएगा, पंडुबाए मोती सचे फिर कौन कृति लाएगा। कवि का कहना है कि यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन और कौन गाएगा, यानी यह जनता जो है, यह व्यक्ति जो है जो इस गीत को गा रहा है और गाने के साथ और इसको कौन गाने वाला है, इस गीत को गाने वाला और कौन है, पंडुबा ये मोती सचे फिर कौन कृति लाएगा, यानी कृति का मतलब यह होता है कि किया हुआ कार्य जो होता है, किया हुआ रचना जो होता है, कि अगर हम यह जन है गाता गीत जिन है फिर कौन और कौन लाएगा, अगर इस गीत को गाने के लिए और कौन गाने के लिए तैयार है, पंडुबा ये मोती सच्चे, यानी पंडुबा तो समझ रहे हैं ना कि मोती जो होते हैं पानी में डूबे हुए होते हैं, उसका महत्व, यानी जैसे आप सुने हैं कि समुद्र का महत्व तब तक है जब तक उसमें मोती है, पानी का महत्व वहां तब तक होता है, वह समुद्र तब कहलाता है कि जब वो पानी होता है, पानी के अंदर मोती होता है, जब उसके मोती को चुन लिया जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो पनडुबा है मोती, यानी पानी में डूबा हुआ वह मोती जो है, पानी में डूबे हुए मोती का तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि यहाँ पानी में डूबे हुए मोती का मतलब है कि जब तक वह प्रकट नहीं होता है, यानी कि वह कृति, पनडुबा या मोती सचे फिर कौन कृति लाएगा, जब तक वो बाहर नहीं आता है तो उसका किया हुआ कर्म, उसकी रचना प्रकट कैसे होगा, वो कैसे उसके महत्व के बारे में लोग समझ पाएंगे, तो उसका कृति कौन लाएगा। अगले पंक्ति में कवि बता रहे हैं कि यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुल गाएगा, यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुल गाएगा, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा, है गर्व भरा मद माता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी कवि का कहना है यह समिधा, समिधा माने होता है हवन की लकड़ी, हवन समझते हैं, समिधा का अर्थ होता है हवन की लकड़ी, यह समिधा ऐसा आग हठीला बिरला सुल गाएगा, यानी हठीला हट करने वाला, जिद्दी, यह भी होता है आपका कि प्रतिज्ञा, यानी दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला, या जो बात का पक्का होता है, हठीला जो बात का पक्का होता है उसको भी हठीला कहा जाता है। तो यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, माने बिरला ही कोई होगा जो इसको सुलगाने का काम करेगा, बिरला ही का मतलब कि शायद ही कोई होगा जो इसको सुलगाने का काम करेगा, इस स्थिति को फिर से लाने का काम करेगा। यह अद्वितीय है, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह अद्वितीय है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, यह मैं स्वयं विसर्जित, मैं इसी में विसर्जित, मैं स्वयं इसके लिए विसर्जित हूं, विसर्जित यानी इसी में खो जाना। यह दीप जो है अकेला है, स्नेह से भरा है, यह दीप अकेला है और यह दीप क्या है, स्नेह से भरा हुआ है, गर्व भरा मदमाता, गर्व से भरा हुआ यह मतवाला है, मदमाता यानी कि गर्व से भरा हुआ यह क्या है, एक तरह का मतवाला है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, अगर देना है तो इसे भी इस पंक्ति को दे दो। अगले पंक्ति में कभी फिर यहां
वर्णन करना चाह रहे हैं, दर्शाना चाह रहे हैं कि है गर्भ भरा मद माता पर इसको भी पक्ति को दे दो, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धनु का अमृत पुत्र है। देख रहे हैं ना, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पुत्र है, यह अंकुर फोड़ धारा को रवि को ताकता निर्भय, यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्मा अयुत इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला सिने भरा है गर्भ भरा मधमाता पर इसको भी पक्ति को दे दो। यानी इस पक्ति में यहाँ कवि बता रहे हैं यह मधु है, यह मधु, मधु समझते हैं ना, मधु यानी शहद भी होता है, मधु माने क्या होता है, शराब भी होता है, मधु माने शहद भी होता है और मधु माने शराब भी होता है। तो यह मधु है स्वयं काल की मौना, यानी यह स्वयं काल की क्या है, सफेद पहाड़ी है, स्वयं समय का एक तरह का सफेद पहाड़ी है, यह सफेद यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल यह मौना है, मौन है, इसके साथ युग संचय, यानी कि युग संचय का मतलब कि यह युग युग से संचित होके चला आया है, यह समय के हिसाब से संचित होके यानी इकट्ठा होके चला आया है। यह गोरस, गोरस का मतलब होता है वृंदगान, यानी कि समवेत गान जो होता है गोरस, यह गोरस जीवन कामधेनु, यह बिल्कुल वृंदगान की तरह जीवन है, कामधेनु तो समझ रहे हैं, कामधेनु का मतलब होता है कि स्वर्ग की वैसी गाय जो हमारी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे, कामधेनु है। इसके साथ वो क्या है, कामधेनु का अमृत पुत्र पै, पुत्र समझते हैं पुत्र, और पै का मतलब होता है दुग्ध, दूध, पै माने क्या होता है, दूध होता है, पै माने जल भी होता है, पै माने जल यानी पानी होता है, दूध भी होता है। तो ये कामधेनु यदि है तो वहां दूध की बात होगी, तो यह कामधेनु, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पुत्र है, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को ताकत निर्भय, यानी कि यह रवि जो है यानी सूर्य है, यह अंकुर फोड़, अंकुर को फोड़ कर, अंकुरित होकर अंकुर को फोड़ कर धरा को यानी पृथ्वी को रवि को ताकता निर्भय, या रवि यानी सूर्य को निर्भय होकर ताकने वाला है। यह स्नेह जो है, यह एक अकेला दीप जो है अगर धरती के अंदर से प्रस्फुटित होकर क्या होता है कि अगर वह अंकुर निकलता है तो वह धारा से जब निकलता है तो धारा से निकलने के बाद वह रवि को क्या करता है कि निर्भय होकर यानी बिना भय का वह ताकते रहता है। यह प्रकृति स्वयंभू, यह प्रकृति स्वयंभू यानी अपने आप में, यह ऐसा प्रकृति है कि यह स्वयंभू यानी अपने आप में क्या है, ब्रह्मा, ब्रह्मा समझते ही है, यानी तीन देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता ब्रह्मा। अयुत, अयुत का मतलब होता है कि 10,000 की संख्या यदि होता है या पृथक हम कह सकते हैं, तो अयुत इसको भी शक्ति को दे दो, अगर देना है तो इसको भी शक्ति को दे दो, क्योंकि यह दीप अकेला, यह दीप जो है, यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह क्या है, है गर्भ भरा मधमाता, यह गर्भ से मधमाता हुआ है, अगर देना है तो इसको भी शक्ति को दे दो, इसे भी पक्ति को दे दो। बात समझ में आ रही है, तो इसके बाद हम अगले खंड का वर्णन करेंगे। अगले खंड में यहां अज्ञेय जी बता रहे हैं फिर से कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, यह वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुछ सा अपमान अवज्ञा के धुनवाते कड़वे थम्मे, कुछ सा अपमान अवज्ञा के दुधवाते कड़वे तम में, या सदा द्रव, या सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उल्लंघन उल्लंब बाहु या चीर अखंड अपनाया, जिज्ञासु पर उद्ध सदा 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 में इसको भक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा गर्भ भरा मधमाता इसको भी भक्ति को दे दो। यानी इस पक्ति के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं कि यह वह विश्वास नहीं, यह वैसा विश्वास यह नहीं है जो अपनी लघुता में भी कांप जाए,
जब लघुता का मतलब होता है कि जब छोटा सा स्थिति हो तो उसमें वो घबरा जाए, वैसे स्थिति वाले नहीं है, वैसे स्थिति वाले बनना भी नहीं है कि छोटे, अगर छोटी सी भी समस्याएं आए, लघुता यानी छोटी सी भी समस्याएं आए तो हम कांप जाए, वैसे विश्वास वाले हम नहीं है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को, यानी वैसी पीड़ा वैसा कष्ट जिस कष्ट के गहराई में, गहराई की अगर हम बात करें तो स्वयं उसी ने नापा, अगर कोई नापा है तो स्वयं उसी ने नापा है, उसी दीप ने नापा है, उसी व्यक्ति ने नापा है, उसी के माध्यम से मापा गया है जो उसमें जाना चाहेगा। इस तरह से कुत्सा अपमान अवज्ञा के, कुत्सा, कुत्सा समझते हैं निंदा, बुराई करना, शिकायत करना, कुत्सा अपमान, अपमान माने भी समझते हैं किसी को बेइज्जत करना। हम कुत्सा अपमान अवज्ञा, अवज्ञा माने आज्ञा का पालन नहीं करना, अवज्ञा हो गया के धुधवाते कड़वे तम में, अगर ऐसा धुधवाता यानी धुआं दे देकर झलने वाला कड़वा तम भी है, अगर वह कड़वा तम भी है तो वह बिल्कुल क्या है, उलंग बाहु यह चीर अखंड अपनाया। अगर उलंग बाहु है तो यह चीर, चीर माने होता है दो चीर होते हैं, एक चीर दीर्घिष्य होता है उसका वस्त्र होता है, और इस चीर माने होता है जो हर से है कि लंबे समय, यानी चीर का मतलब होता है लंबे समय से, जो बहुत दिनों तक वो चलने वाला क्रम हो, तो यह चीर की बात की जा रही है कि लंबे समय तक, यानी कि चीर अखंड अपनाया या अखंड, या खंड होने वाला नहीं है जिसको उसने अपनाया। जिज्ञासु, क्योंकि जानने की इच्छा जिज्ञासु है, प्रबुद्ध सदा, यानी प्रबुद्ध का मतलब समझ रहे हैं कि चेतन, चेतना जगा हुआ, हम जगे हुए हैं, और इस तरह से श्रद्धा में, हम श्रद्धा से मैं है, श्रद्धा में लगे हुए हैं, और भी प्रबुद्ध यानी हम श्रद्धा से लगे हुए हैं, और इसको हम क्या कर रहे हैं, श्रद्धा में इसको भक्ति को दे दो, अगर देना है तो इसे भक्ति को दे दो, और साथ साथ यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीप जो है अकेला है और स्नेह से भरा हुआ है, अगर इसे देना है तो इसे भक्ति को दे दो, समझ रहे हैं। तो छात्रों, यह आपका पहला कविता इस तरह से है। दूसरी कविता में भी कभी यहां मैंने देखा एक बूंद, इसको हम जिक्र करेंगे, मैंने देखा एक बूंद, यह कविता आखिर में जो दिया गया है इसका क्या उद्देश्य है। तो इससे पहले मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं कि आप मेरे चैनल को, जो मैंने पीछे भी बताया कि देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें ताकि हर तरह के मेरे वीडियो जो अपलोड होते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेगा। तो इस कविता में हम अब देखेंगे, इस कविता में फिर यहां अज्ञेय जी बता रहे हैं मैंने देखा एक बूंद, यानी मैंने देखा एक बूंद का मतलब, इस कविता का पहले हम एक भावार्थ समझते हैं, यानी इसका संक्षिप्तीकरण पहले हम समझते हैं कि आखिर में यह कविता क्यों रचित किया गया है। तो मैंने देखा एक बूंद में अज्ञेय जी जो है यह बता रहे हैं, कविता में अज्ञेय ने समुद्र में, समुद्र जो है समुद्र से एक अलग रूप से यानी प्रतीत होती हुई बूंद की क्षण भंगुरता, यानी बूंद का जो क्षण भंगुरता है, क्षण भंगुरता यानी कुछ पल के लिए जो दिखता है, तो बूंद की जो क्षण भंगुरता है को व्याख्यित करने का कार्य किया है, व्याख्या करने का यहाँ कार्य किए हैं। यह क्षण भंगुरता जो है यह बूंद के लिए, यानी कि बूंद की है, समुद्र की नहीं है। क्षण भंगुरता यहाँ पे दिखाया गया, यह बूंद की है, यह समुद्र की नहीं है, क्योंकि बूंद क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग में रंग जाती है। बूंद जो होता है क्षण भर के लिए ढलते हुए सूरज की आग में रंग जाती है, और सूरज के आग में रंग जाने के बाद क्षण भर का यह दृश्य देखकर कवि को एक दार्शनिक तत्व भी दिखने लग जाता है। और वैसे जब दार्शनिक तत्व कवि को दिखना शुरू होता है तो विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र में, समुद्र से अलग नश्वरता के दाग से नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास होता है। और इस तरह से इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन के क्षण को, महत्व को, क्षण भंगुरता को प्रतिष्ठापित करने का कार्य किया है कि जीवन ही है जो क्षण भर के लिए क्षण भंगुरता के साथ क्या होता है कि यह प्रतिष्ठापित होता है, और इसके साथ साथ यह जीवन क्षण भर के लिए तो है ही, क्योंकि यहां कभी कह रहे हैं कि मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, एक गई रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख, मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख, हर आलोक हुआ अपनापन है उन्मोचन स्वरता के दाग से,
हर आलोक हुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। यानी कवि कह रहे हैं कि मैंने देखा एक बूंद, यानी मैंने देखा एक बूंद देखा, यानी समुद्र के हिस्से में मैंने एक बूंद देखा, एक बूंद सहसा अचानक मैंने एक बूंद देखा उछली सागर के झाग से। यानी वो सागर की सागर ने ही देखा, सागर के झाग से जो एक बूंद उछला उसको मैंने देखा, रंग गई क्षण भर, यानी कुछ पल के लिए वह रंग गई। किस रंग में रंग गई? ढलते सूरज की आग से, यानी सूरज का जो आग था उसी आग के रंग में वह रंग गई। और तो और मुझको दिख गया, यानी कभी कह रहे हैं कि मुझको वहां दिखा तो मुझको दिख गया। क्या दिखा? सुने विराट के सम्मुख, विराट समझते हैं यानी जो अत्यंत विशाल का रूप कहा जाता है, कि सुने विराट का स्वरूप के सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन। यानी जो भी आलोक था, आलोक यानी देखने की जो दर्शन होता है, आलोक का मतलब दृष्टि भी होता है, रोशनी होता है, कि मैंने जिस दृष्टि से मैंने देखा उस दृष्टि में मैंने क्या देखा, कि हर आलोक हुआ अपनापन, उसका हर तरह का आलोक, हर तरह के नजरे दृष्टि जो था वो अपनापन नजर आया है। उन्मोचन, उन्मोचन का मतलब होता है कि बंधन या अपराध से मुक्त हो जाना। यानी वह बूंद ऐसा दिखाई दिया कि वह इस बंधन से ही मुक्त हो गया। इस बंधन से क्या हुआ? मुक्त हो गया। नश्वरता यानी नाश होने की अवस्था जो होती है नश्वरता, उन्मोचन नश्वरता के दाग से, यानी कि यह जो नाश होने की अवस्था है इस बंधन के, मुक्त इस बंधन से क्या हुआ कि मुक्त हो गया। उस एक बूंद को कवि ने अपने कल्पना में देखा, एक बार उन्होंने समझा और इसको देखा। तो इस तरह से छात्रों आज हम लोगों का यह दूसरा सीरीज समाप्त होता है, और दूसरे सीरीज के साथ हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले सीरीज के साथ। तब तक आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल, गुड बाय।